हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी मैं अपना जो मैंने नोट्स बनाया हुआ था क्वांट के लिए, एक्चुअली जो मैंने ओरिजिनल नोट्स खुद से लिख के बनाया हुआ था, वो चीज़ें थोड़ी सी फट गई थी, कुछ नोट्स उसके जो है ख़राब हो गए थे पेजेस, तो मैंने फिर से इसका प्रिंट आउट निकलवाया है। एंड इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया है, बट मैं आज फिर से शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि किस तरीके से करना है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, स्पेशली बिगनर्स जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, तो उनको तो पता ही होगा कि किस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है। सो आइए देख लेते हैं, एक बार मैं आपको क्विकली बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों के बारे में काफ़ी बात पहले भी की है आप लोगों से कि इन चीज़ों को रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग क्वांट में देखते हैं, क्वांट में जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते होगे, क्वाड्रेटिक करते होगे, नंबर सीरीज करते होगे, DI करते हो, वर्ड्स प्रॉब्लम करते हो, इन सारी चीज़ों में आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, राइट। बिना टेबल को रिवाइज किए, बिना टेबल को याद किए आप क्वांट कर ही नहीं सकते, और कर भी लोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और इतना टाइम हमारे पास नहीं है। आपको पता है कि आपको कितना कम टाइम मिलने वाला है वहाँ पर। तो आपको एटलीस्ट 12 से लेकर 19, मैंने 19 तक इसे लिखा है क्योंकि 20 का टेबल तो सभी को याद होता है, और 1 टू 10 टेबल सभी को याद होता है, राइट। 1 टू 10 तक तो बिल्कुल जुबान पर रहता है, सबका रटा हुआ है। अब मैं इतना मानकर चल रही हूँ कि 1 टू 10 तक का टेबल आप लोग को बिल्कुल रटा हुआ होगा, बिल्कुल आपकी जुबान पर होगा, याद होगा, राइट। बट क्या होता है कि 12 टू 19 में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, लाइक 16, 17, 18, 19, इस तरीके के टेबल से हम लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या होगा, 19 इंटू 7 क्या होगा, 18 इंटू 6 क्या होगा, 17 इंटू 8 क्या होगा, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है अगर अच्छे से याद नहीं रहती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, आपको इन चीज़ों को या तो आप इसका हार्ड कॉपी निकाल के रख लो, जैसे मैंने रख लिया है, मैंने पहले लिखा हुआ था बट वो मेरा ख़राब हो गया था पेजेस, तो मैंने इसको फिर से निकलवाया है, एंड इसका मैं टेलीग्राम पर आपको दे दूंगी PDF। तो आप इसको इस तरीके से निकलवा लो, या फिर आप मोबाइल या लैपटॉप जहाँ से भी पढ़ते हो वहाँ से भी पढ़ो, एक बार रिवाइज कर लो डेली। और इस तरीके से नहीं आपको रिवाइज करना है 12×12, 12×24, 12×36, 36×48, ऐसे नहीं करना है आपको, आपको तुरंत इस तरीके से याद करना है 16×7 क्या होता है, 17×8 क्या होता है, 19×7 क्या होता है, 18×6 क्या होता है, ये इस तरीके से आपको चेक करना है कि आपको टेबल कितना क्विकली आप बता देते हो आंसर। तो अगर इस तरीके से आप बहुत ही तुरंत आंसर बता देते हो, क्विकली बता देते हो आंसर, तो फिर आप समझ जाओ कि हाँ आपकी स्पीड कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएगी। इवन आपको सिंप्लीफिकेशन में, DI में, क्वाड्रेटिक में, इवन नंबर सीरीज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, राइट। तो इन चीज़ों को याद करके रखो। दूसरी चीज़ स्क्वायर है, स्क्वायर आपको याद रखना है कम से कम 50 तक, एटलीस्ट 50 तक तो स्क्वायर आपके बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पूरा 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर मुझे याद है, और आपको भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग को लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों याद करना जरूरी है, बट हमें अपना टाइम एक एक सेकंड हमें सेव करना है जहाँ भी हम सेव कर सकते हैं। आपको पता है इस टाइम कंपटीशन इतना बढ़ गया है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि प्री ही निकालना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो गया है, मेंस की तो बात ही अलग है, राइट। तो प्री निकालने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको भी पता है, तो आपको इसको रिवाइज करना है। क्या होता है कि हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाती है वो चीज़ें। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग कम से कम दिन में एक बार कोई भी टाइम निकालो, दिन में 5 मिनट के लिए इसको टाइम दे दो, इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि ये चीज़ें जब आप डेली रिवाइज करोगे ना, तो आपके दिमाग में अपने आप बैठती चली जाएंगी, अपने आप को रटा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इतना अच्छे से याद कर लिया, आपको सारी चीज़ें पता है। तो ये चीज़ें रिवाइज करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने स्क्वायर का एक ट्रिक भी बताया हुआ है अपने चैनल पर कि स्क्वायर अगर आपको मान लीजिए कि थोड़े से बड़े स्क्वायर आ गए, 67 आ गया, 78 आ गया, 97 आ गया, उसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो उसको आप क्विकली किस तरीके से निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स, तो उसका मैंने बताया हुआ है, मैं अभी भी आपको बता दूंगी कि किस तरीके से निकालना है, तो आप अभी देख लेना आगे वीडियो में, ओके। दूसरा है आपको क्या चीज़ें रिवाइज करनी है, क्यूब। अब देखिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, 1 to 30 मैंने लिखा तो हुआ है, बट मैंने 1 to 30 याद नहीं किया है, मैंने 1 to 20 याद किया है, क्योंकि 30 तक याद मुझसे नहीं हुआ, एंड मैंने उतना जरूरी भी नहीं समझा कि 30 तक याद करना जरूरी है, 30 तक बिल्कुल नहीं याद करना जरूरी है, कम से कम आप 20 तक तो याद रखिए, क्योंकि अक्सर जो है आपने देखा होगा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 16, 17, 18, 19, इसमें थोड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो इसी में वो लोग घुमाने की कोशिश करते हैं कि आप इसी में फंसोगे। तो अगर ये चीज़ें आपको याद हैं तो फिर आप डेफिनेटली आराम से क्वेश्चन कर ले जाओगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहो तो याद कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इसको याद करने की ज़्यादा जरूरत है 21 to 30। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, 20 तक ही याद करो, मैंने भी 20 तक ही याद किया हुआ है सिर्फ। और मैं इसका ट्रिक भी बता दूंगी कि क्यूब किस तरीके से निकाल सकते हैं फास्ट, ओके। दूसरा आपको रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में हम लोग सोचते हैं कि स्पीड कैसे बढ़ेगी रीजनिंग में, बहुत से लोग 35 out of 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे जब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हुए छूट जाते हैं सिर्फ टाइम की वजह से, तो बहुत दुख होता है, आई नो।
सो इसके लिए आपको स्पीड बढ़ाने के लिए रीजनिंग में कम से कम ये चीज़ें तो याद होनी चाहिए, जैसे A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13। तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल जुबान पर होना चाहिए, आपको खुद चेक करना है। जैसे आपने याद कर लिया, आपको लग रहा है कि आपको याद है, अब आपको खुद से चेक करना है। आप बैठे हुए हो, दो मिनट समय दो अपने को और इस तरीके से चेक कर लो। R का क्या होता है, R18, T20, W23, X24, Z26, C3, D4, इस तरीके से रैंडमली पिक करो और इस तरीके से चेक कर लो कि हाँ आपको याद है। अगर इस तरीके से आप बता ले जाते हो तुरंत फटाफट, तो फिर समझ लो आपका बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है, आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लिए हो। दूसरी चीज़ है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपको, AZBYCXDWEVFUGTHSIRJQKP, बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए। अगर नहीं याद होता है डेली रिवाइज कर लो, अभी टाइम है, राइट, अभी टाइम है प्री होने में, कम से कम तो अभी मुझे लगता है कि 15 दिन तो एटलीस्ट है ही, तो इसमें आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, राइट। और अगर IPS क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा खासा टाइम है, तो आराम से आप इसको रिवाइज करते चलो डेली, IPS क्लर्क तक एकदम आपके जुबान पर होगी सारी चीज़ें। एंड यस, ये चीज़ें आपको करनी है रीजनिंग के लिए। दूसरा आपको ये चीज़ देखिए, परसेंटेज, अभी आपके वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए तो समझ लीजिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना आप वर्ड्स प्रॉब्लम अगर बनाना चाहोगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चंस को करने में अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है। प्लस आपकी सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर ये चीज़ें याद नहीं है, DI करने में टाइम लग सकता है अगर ये चीज़ें याद नहीं है। तो ये आपके लिए क्वांट का समझ लीजिए सोल है, ये एक तरीके से कह सकते हैं क्वांट। अगर फास्ट करना है तो इन चीज़ों को तो हमें बिल्कुल अच्छे से रटा होना चाहिए, कहते हैं ना रटना जिसे कहते हैं, उस तरीके से आपको रटना है इन चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि देखिए 1/2 50%, 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। 1/2 1/3 1/4 1/5 6 7 8 9 10, अब ये 10 का मैंने 100% लिख दिया है, गलती से मैंने लिख दिया था, बट 10 का होता है 10%, राइट, 10 का 10% होता है, आपको पता है 100% इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये मैंने जल्दी में लिख दिया। इस तरीके से आप लोग इसे सही कर लेना, एंड मैंने PDF में भी बताया हुआ है। एंड 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 24, 25, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके से पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं अक्सर, वो मैंने लिखा हुआ है। तो इन चीज़ों को तो आप डेफिनेटली याद करके रखो बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं 4/5 क्या होता है, 3/4 क्या होता है, 3/8 क्या होता है, 5/8 क्या होता है। तो इस तरीके से आपको वहाँ टाइम नहीं मिलेगा कि आप वहाँ बैठ के निकालोगे इतनी सारी चीज़ें, राइट। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए अच्छे से। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपने दे दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको जितना दिन आपके पास बचा है एग्जाम होने में, डेली रिवाइज करिए, 4-5 बार कम से कम रिवाइज करिए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। आपके एग्जाम हॉल में जब बैठोगे आप तो आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।